गरीब का आशियाना ले उड़ी तेज हवा, मदद के लिए प्रशासन ने खड़े किए हाथ, खुले में तपती दोपहरी गुजारी मासूमों ने। मामला कीरतपुरा ग्राम पंचायत के कंवरपुरा गांव का है, जहां आज दोपहर आई तेज हवा ने गरीब के आशियाना को ध्वस्त कर दिया और छप्पर पोस को खुर्द बुर्द कर दिया। कंवरपुरा निवासी राम गोपाल अपनी पत्नी और तीन छोटे मासूमों के साथ एक छप्पर पोस घर में रहता है और मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता है। गुरुवार को दोपहर उनके परिवार पर उस समय कहर बनकर आई जब वह मजदूरी के लिए बाहर गया हुआ था और पीछे से तेज हवा ने परिवार के सर से आशियाना को उड़ाकर ध्वस्त कर दिया। छप्पर पोस को उड़ता देख ग्रामीण मौके पर इकट्ठे हो गए और परिवार को छप्पर के नीचे से निकाला, यानी परिवार के बच्चों को छप्पर पोस से निकाला। ग्रामीणों ने तहसीलदार और अधिकारी को सूचना दी, जिस पर पटवारी और सेक्रेटरी मौके पर पहुंचे, लेकिन परिवार की मौके पर किसी तरह की आर्थिक मदद कर नहीं पाए, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नाराजगी जताई। इस दौरान सरपंच को भी मौके पर ग्रामीणों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। पीड़ित परिवार का 2018 में पीएम आवास के लिए नाम चयनित होने के बाद आज दिनांक तक राशि नहीं डाली गई, जिसके चलते राम गोपाल का परिवार छप्पर पोस घर में रहने को मजबूर है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण सरपंच प्रतिनिधि। मामला यह था कि इनका आज छप्पर पोस बेचारों का उड़ गया है और इनको रहने लायक कोई जगह नहीं है। ग्राम पंचायत के द्वारा भी इनको स्वीकृत करवा रखा है आवास योजना में, लेकिन सरकार के द्वारा इनकी किस्त डाली नहीं गई है। अब उसमें प्रयास हमारा भी यही रहेगा कि इनको जल्दी जल्दी इनकी पैसे आए और इनका बेचारों का मकान रहने लायक कहीं जगह बने इनके लिए, और हमारे द्वारा भी जन सहयोग के लिए भी किया जा रहा है इनको ग्रुप बना करके। तो मेरी तरफ से इनको 1100 रुपये की। क्या सरपंच साहब, आज जिस तरीके से इस परिवार के साथ जो हो रहा है, खुले में रहने को मजबूर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके ऊपर ये छप्पर पोस गिरा है, क्या प्रशासन या फिर आपका ग्राम पंचायत प्रशासन कोई इस परिवार की मदद नहीं कर सकता ऑन द स्पॉट? देखो, ग्राम पंचायत के द्वारा तो ऐसी कोई योजना है नहीं जो ऑन द स्पॉट की जाए। जन सहयोग से इनकी मदद हो सकती है, बाकी करंटली कोई ऐसी योजना नहीं है जो इनको मदद की जाए। इनको आवास योजना में इनका नाम जरूर है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे इनको जल्दी जल्दी इनकी किस्त डलवाई जाए। जैसे भी सरकार डालेगी उस तरीके से हम इनकी मदद करवाएंगे। आपका नाम? सोनू बैरवा, समाज से। मामला ये है सर, आज कंवरपुरा 1 बजे से कुछ हल्का सा झकड़ा है, उसमें क्या लुम्बड़े टाइप में तो इनका छप्पर उड़ के गिर गया। हमको सूचना लगी गांव के आदमियों को, वहाँ के देखा मौके पे, उन्होंने देखा तो छप्पर पोस सब उड़ गए, गेहूँ की टंकी वंकी सब उड़ गई, खाने पीने का सामान सब बिखर गया। शाम को रहने के लिए कुछ जगह नहीं है इनके। हमने प्रशासन को सूचना दी, सबसे पहले हमने सरपंच साहब को अवगत करवाया, उसके बाद हमने सेक्रेटरी साहब को अवगत करवाया, फिर हमने पटवारी जी को भी कहा, फिर ITM साहब को भी फ़ोन किया, तहसीलदार साहब को भी किया, सब अधिकारियों को फ़ोन करने के बाद में सब मौके पे, मान लो सेक्रेटरी साहब भी पहुँचे, पटवारी जी भी आए, सरपंच साहब भी अब मौके पर आए, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई ऐसी सुविधा नहीं है मौके की जो हमें इसको कुछ सुविधा दे सके।